नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत योजना पे। आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा सचिवालय वैकेंसी 2023 के बारे में। तो आप यहाँ कब से कब तक अप्लाई कर पाइएगा, टोटल वैकेंसी यहाँ कितना रखा गया, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया, वो सब हम एक एक करके आपको यहाँ पे बताएंगे। तो यह है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार विधानसभा। यहाँ से आप देख सकते हैं पोस्ट का नाम सुरक्षा प्रहारी के लिए वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट हैं। आपको जो यहाँ पे पेमेंट मिलेगा, वेतन 21,700 से लेके 69,100 तक मिलेगा। यहाँ पे आपका डेट बता दिया गया है, ये फॉर्म जो है आपका 1/1/2024 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो है 21 जनवरी 2024 तक रहेगा। यहाँ पे परीक्षा शुल्क जमा करने का जो डेट है वो 23 जनवरी 2024 तक रहेगा। यहाँ पे आप टोटल वैकेंसी देख सकते हैं, टोटल जो है 80 वैकेंसीज रखा हुआ है और यहाँ कैटेगरी वाइज में बांट दिया गया है। जैसे अनारक्षित के लिए 6 रखा गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 8, अनुसूचित जाति के लिए 20, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25 और पिछड़ा वर्ग के लिए 19 रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता आपको मान्यता प्राप्त से आपको 12th क्लास पास किया हुआ होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। आयु जो है न्यूनतम आपका कम से कम 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे 25 साल रखा गया पुरुष एवं महिला दोनों के लिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 27 रखा गया है, ज़्यादा ज़्यादा पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 28 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला दोनों के लिए 30 रखा गया है। परीक्षा की पद्धति आपका यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, OMR बेस्ड टेस्ट होगा। फिर आपका यहाँ पे बताया गया 2 घंटा का एग्जाम होगा, कुल 100 प्रश्न होगा, 100 अंक का रहेगा। गणित से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, सामान्य अध्ययन प्रश्नों से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल का टेस्ट लिया जाएगा। परीक्षा शुल्क जो है आपका यहाँ पे 675 रुपया लिया जाएगा। जो बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग की महिला पुरुष हो, के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र इतना लगेगा। एवं राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपया लगेगा। अब जो दूसरा पोस्ट है, हम बात करने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। आपको जो यहाँ पेमेंट मिलेगा 25,500 से लेके 81,100 तक। यहाँ जो डेट है वो सेम ही रहेगा, 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो है 21 जनवरी 2024 तक रहेगा। टोटल जो इसके लिए वैकेंसी रखा गया है वो है 40 और यहाँ कैटेगरी वाइज में बांट दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता जो है यहाँ पर भी आपको इंटरमीडिएट मांगा गया है, 12th क्लास पास होना चाहिए, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का पढ़ाई किए हुए होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। उम्र सीमा जो है न्यूनतम यहाँ 18 रखा गया है और ज़्यादा ज़्यादा 37 साल रखा गया है। एज में यहाँ पे छूट भी मिलेगा, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। परीक्षा शुल्क जो है सभी पोस्ट के लिए अलग अलग रखा गया है। यहाँ पे 600 रुपया रखा गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं और जो महिलाएँ हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे 150 रुपया रखा गया है। तीसरा पोस्ट जो है यहाँ पे चालक पद के लिए निकाला गया है, स्तर 2 का आपको पेमेंट मिलेगा 19,900 से लेकर 63,200 तक। इसके लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 9 रखा गया है। यहाँ पे आपको मैट्रिक पास मांगा गया है। उम्र सीमा यहाँ पे कम से कम 18 होना चाहिए और ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे 37 साल रखा गया है। परीक्षा शुल्क जो है 400 रुपया लिया जाएगा पुरुष के लिए और महिलाओं लोगों के लिए यहाँ पे 100 रुपया रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है कार्यालय परिचारी के लिए। आपको पेमेंट Level 1 का मिलेगा 18,000 से लेके 56,900 तक। इसके लिए टोटल जो यहाँ पे वैकेंसी रखा गया है वो 54 रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे मैट्रिक पास मांगा गया है। उम्र सीमा कम से कम 18 होना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे 37 साल रखा गया है। परीक्षा शुल्क जो है 400 रुपया लिया जाएगा और महिला लोगों के लिए 100 रुपया लिया जाएगा। तो अगर आप एप्लीकेबल होंगे यहाँ अप्लाई करने के लिए तो जल्द से जल्द यहाँ जाकर जरूर अप्लाई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और इससे इन्फॉर्मेशन मिलता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।